नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां जिला अध्यक्ष मनोज खटीक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री गहलोत के आदेश संविदा सेवा नियम की घोषणा से संतुष्ट नहीं हुए संविदा कर्मी। आज दीपावली के अवसर पर संविदा कर्मियों ने विरोध स्वरूप हाथों पर काली पट्टी बांधकर मुख्यमंत्री गहलोत के आदेश की प्रतियां जलाकर काली दिवाली मनाई। आज सुबह कोटा गेट स्थित शहीद राम कल्याण स्मारक के बाहर एकत्रित हुए थे संविदा कर्मी। संविदा सेवा नियम आदेश के विरोध राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सरकार बनते हम नियमित करेंगे, परंतु सरकार ने हमारे साथ छलावा किया है। 21 तारीख को जो संविदा सेवा नियम 2022 का जो लेटर जारी किया है, उसमें सीधा सीधा हमारे साथ कुठाराघात किया गया है। जो सरकार ने हमसे वादा किया था नियमित करने का, नियमित का कहीं भी नाम नहीं है। वापस हमें संविदा पर लेने का सरकार ने एक आदेश जारी किया। इस वजह से हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस दिवाली के दिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो सरकार ने हमसे नियमित करने का वादा किया था, उस वादे को सरकार जल्दी से जल्दी पूरा करे, अन्यथा सरकार को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जय संगठन, जय भारत। मनोज कटी, जिला अध्यक्ष। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी घोषणा की है, उससे आप संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट नहीं है। क्या त्रुटि आ रही है इसमें, बताओ? त्रुटि ये आ रही है, सरकार ने हमसे नियमित करने का वादा किया था, जबकि सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो संविदा सेवा नियम 2022 में लेने के लिए किया है। हमारे साथ सरकार ने छलावा किया है, सरकार ने नियमित करने का वादा किया था। हम नियमित कर्मचारी होने के लिए प्रयास रहते हैं। हमारी पूर्व की सेवा को भी सेवा नियम में शून्य करके नई शुरुआत करने की चाह रही सरकार। हम इसलिए आज इसका विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार समय रहते नहीं मानी तो हमें मजबूरन प्रदेश स्तरीय पर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की। एक जगह सेट हो जाओ यार। संविदा सेवा नियम नहीं चाहिए, संविदा सेवा नियम नहीं चाहिए, हमको परमानेंट करो, संविदा सेवा नियम नहीं चाहिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।